जय हिंद। हेलो गाइस, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल ज्ञानदेह होस्ट में। और इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं आईटीबीपी हेड कांस्टेबल मिडवाइफ भर्ती 2023 ऑनलाइन फॉर्म के बारे में कि कैसे आपको इस भर्ती का फॉर्म फिलअप करना है। तो आप इस वीडियो को देखते रहिए, यहाँ पर आपको स्टेप बाय स्टेप पूरी जानकारी दी जाएगी जिससे कि आप इस फॉर्म को बिना किसी मिस्टेक के भर पाएंगे। तो चलिए गाइज शुरू करते हैं। गाइज अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो यार लाइक कर दीजिए, क्योंकि आपके एक लाइक करने से काफी सारा मोटिवेशन मिलता है जो कि मेरे लिए बाकी सभी चीजों से बढ़कर है, इसलिए आप एक लाइक कर दीजिएगा। तो चलिए गाइज अब फिर से पॉइंट पर आते हैं। अभी जो आप यहां पर वीडियो में देख सकते हैं, ये आपका ऑफिशियल नोटिफिकेशन है जो कि आईटीबीपी की तरफ से जारी किया है। आपकी पोस्ट का नाम है हेड कांस्टेबल मिडवाइफ और इसको ग्रुप सी की कैटेगरी के अंदर रखा है। साथ ही आप ये भी जान लीजिए कि आप लोग इस फॉर्म को 9 जून 2023 से लेकर के 8 जुलाई 2023 तक भर पाएंगे। कौन सी कैटेगरी के लिए कितने पद है वो आप यहां पर देख लीजिए। और सबसे महत्वपूर्ण बात, इसमें सिर्फ फीमेल कैंडिडेट ही अप्लाई कर पाएंगी ऑल इंडिया से, मेल कैंडिडेट इसमें अप्लाई नहीं कर सकते। तो गाइज यहां पर अभी आप जो वीडियो में देख सकते हैं, हमारी ऑफिशियल वेबसाइट है, इसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया है। आप यहां से पूरी की पूरी जानकारी चेक कर लीजिए, जैसे कि आपकी पोस्ट का नाम, टोटल वैकेंसी 81 है, एज लिमिट 18 से 25 साल है, अप्लाई करने के लिए आपसे 10वीं पास की योग्यता और साथ ही ANM की योग्यता, इसके अलावा आपका रेशन होना चाहिए नर्सिंग काउंसिल में सेंट्रल गवर्नमेंट की या फिर किसी भी स्टेट गवर्नमेंट की। आप ये सभी जानकारी चेक करेंगे और जानेंगे कि इसमें अप्लाई करने के लिए कोई एप्लीकेशन फीस भी नहीं है। जो सिलेक्शन प्रोसेस है उसके बारे में भी जानकारी आपको दी गई है, सेम जानकारी आप ऑफिशियल नोटिफिकेशन PDF के ऊपर क्लिक करके इसको डाउनलोड करके यहां पर इस ऑफिशियल नोटिफिकेशन से भी और भी डिटेल में चेक कर सकते हैं। ये सभी जानकारी चेक करने के बाद में अगर आप इसमें एलिजिबल है और आपका मन है अप्लाई करने का, तो आप अप्लाई कैसे करेंगे? अप्लाई करने के लिए आप यहां पर अप्लाई ऑनलाइन लिंक इसके ऊपर क्लिक करेंगे। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद में आपके सामने आईटीबीपी की वेबसाइट आ जाएगी। अगर आपने आईटीबीपी की वेबसाइट का इस्तेमाल करके पहले कभी कोई भी फॉर्म भरा है तो आप यहां पर लॉगिन के ऊपर क्लिक करेंगे और लॉगिन के ऊपर क्लिक करने के बाद आप यहां पर आपके रजिस्टर्ड ईमेल आईडी और पासवर्ड डालकर के लॉगिन कर लेंगे। एंड अगर आप अपना पासवर्ड भूल चुके हैं तो आप फॉरगॉट पासवर्ड के ऊपर क्लिक करके यहां पर आपकी रजिस्टर्ड ईमेल आईडी, आपकी DOB जो कि आपने फॉर्म के अंदर भरी थी, यहां पर एक न्यू पासवर्ड और उस पासवर्ड को आप दोबारा डालकर के कंफर्म करेंगे। सिक्योरिटी क्वेश्चन आपने क्या सिलेक्ट किया था उस वक्त जब आपने यहां पर अकाउंट बनाया था वो आप सिलेक्ट करके उसका जो आंसर आपने रखा था वो डालेंगे और एक कैप्चा कोड फिल करके सबमिट करेंगे। तो इसके बाद में आपकी ईमेल आईडी के ऊपर आपको एक जो न्यू पासवर्ड है वो सेंड कर दिया जाएगा। बट अगर आप फ्रेशर है, आपने इस वेबसाइट का इस्तेमाल करके कभी कोई भी फॉर्म नहीं भरा, तो आप यहां पर सिंपली न्यू यूजर रजिस्ट्रेशन इसके ऊपर क्लिक करेंगे और इसके ऊपर क्लिक करने के बाद में आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आ जाएगा। अब गाइज यहां पर आपको जो आपका फर्स्ट नेम है 10th के सर्टिफिकेट के अकॉर्डिंग वो एंटर करना है। एंड इसके बाद में अगर आपका मिडिल नेम है तो आप यहां पर डालेंगे, नहीं तो आप इसको खाली छोड़ देंगे। फिर आप यहां पर आपका लास्ट नेम एंटर करेंगे, अपनी ईमेल आईडी एंटर करेंगे, ईमेल आईडी को दोबारा डाल करके वेरीफाई कर देंगे, एक पासवर्ड आप यहां पर बनाएंगे और पासवर्ड की जो लेंथ है वो आपकी कितनी होनी चाहिए वो आप जान लीजिए। पासवर्ड की लेंथ आपकी 8 से 16 कैरेक्टर के बीच में, जिसमें कि एटलीस्ट एक अपर केस, एक लोअर केस और एक स्पेशल कैरेक्टर कैसा हो इसका एक जो डेमो है वो आप देख लीजिए। जैसे कि मेरा नाम है अमजद, तो यहां पर मैं ए कैपिटल कर लेता हूं, इसके बाद में स्मॉल वर्ड, फिर यहां पर मैं स्पेशल कैरेक्टर में इसको इस्तेमाल करता हूं, फिर यहां पर कुछ डिजिट का इस्तेमाल कर लेता हूं। तो कुछ इस तरह का पासवर्ड आपको बनाना है, उस पासवर्ड को दोबारा डाल करके वेरीफाई करना है, डेट ऑफ बर्थ के ऊपर क्लिक करके यहां पर जो भी आपकी डेट ऑफ बर्थ है वो आपको सिलेक्ट कर लेनी है। पहले यहां से आपका ईयर, इसके बाद में आपका मंथ और फिर डे, तो आपकी डेट ऑफ बर्थ आ जाएगी। देन गाइज आप यहां पर एक सिक्योरिटी क्वेश्चन सिलेक्ट कर लीजिए, इस सिक्योरिटी क्वेश्चन में से आप कोई भी यहां पर सिलेक्ट कर सकते हैं और उसका आंसर जो आप दे रहे हैं वो आपको याद रखना है। ये आपके तब काम आता है जब आप अपना पासवर्ड भूल जाते हैं और आप उसको रिकवर करने की कोशिश करते हैं, तो ऐसे में आपको इसी सिक्योरिटी क्वेश्चन को सिलेक्ट करना होता है जो कि अभी आपने सिलेक्ट किया है और वही आंसर देना होता है जो कि अभी आपने यहां पर बनाया है। इसके बाद गाइज अब आप यहां पर जो कैप्चा कैरेक्टर है ये वाला, ये आप डालेंगे और डालने के बाद इन सभी जानकारी को चेक करेंगे, क्योंकि बाद में एडिट का मौका नहीं मिलेगा। और उसके बाद पूरी तरीके से श्योर होने के बाद आप सबमिट पर क्लिक करेंगे। सबमिट के ऊपर क्लिक करने के बाद में क्या होगा कि आपकी जो आपने ईमेल आईडी यहां पर रजिस्टर की है उसके ऊपर एक ईमेल जाएगी, जिसमें कि एक एक्टिवेशन लिंक दिया है। तो आपको जैसे ही ईमेल प्राप्त हो वो लिंक ओपन करना है, ओपन करने के बाद में आप यहां पर लॉगिन के पेज पर आ जाएंगे। अब आपको यहां पर आपकी रजिस्टर्ड ईमेल आईडी एंटर करनी है जो कि अभी आपने रजिस्टर की है। एंड फिर जो पासवर्ड अभी आपने बनाया वो पासवर्ड आप यहां पर डालेंगे, ये कैप्चा कोड फिल करेंगे एंड देन लॉगिन कर लेंगे। अब जैसे ही आप लॉगिन कर लेंगे, लॉगिन करने के बाद में आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आ जाएगा। मेरा जो अकाउंट है इस वेबसाइट के ऊपर पहले से बना हुआ है, इसलिए मैं यहीं से आपको जानकारी बताने वाला हूं। तो बेसिकली आपको करना क्या है, आपको यहां पर प्रोफाइल डिटेल्स के ऊपर क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद कुछ जानकारी आपकी यहां पर दी हुई होगी जो कि अभी आपने रजिस्ट्रेशन के वक्त में भरी है, और कुछ जानकारी आपको यहां पर भरनी है। जैसे कि आप यहां पर जो आपका मोबाइल नंबर है वो आप एंटर करेंगे, फिर जो आपका फादर का नेम है ये आपको 10th के सर्टिफिकेट के अकॉर्डिंग ही एंटर करना है, आपकी मदर्स का नेम आपको एंटर करना है,
कंट्री के अंदर आप यहाँ पर इंडिया से है तो इंडिया सेलेक्ट करेंगे, अगर नेपाल भूटान से तो नेपाल भूटान सेलेक्ट कर लेंगे। देन यहाँ पर नीचे आता है आपका परमानेंट एड्रेस, तो जो भी आपका परमानेंट एड्रेस है आपकी आईडी के अकॉर्डिंग वो आपको फिल करना है। जैसे कि यहाँ पर आप अपना एड्रेस फिल कर देंगे इन दो लाइन के अंदर, स्टेट आपकी जो भी है वो स्टेट आप यहाँ से सेलेक्ट कर लेंगे, फिर उस स्टेट के अंदर आपकी कौन सी डिस्ट्रिक्ट है वो डिस्ट्रिक्ट आपको सेलेक्ट कर लेनी है और अपना पिन कोड डाल देना है। नीचे आता है कोरस्पोंडेंस एड्रेस सेम एज परमानेंट एड्रेस, यानी कि आपका कोरस्पोंडेंस यानी प्रेजेंट एड्रेस, तो अगर आपका प्रेजेंट और परमानेंट एड्रेस सेम है तो आप यहाँ पर इसके ऊपर टिक कर देंगे, अगर अलग अलग है तो अनटिक करके अलग से अपना कोरस्पोंडेंस यानी कि प्रेजेंट एड्रेस फिल कर दीजिएगा। नाउ गाइज मैं आपको बताना चाहूंगा एसके बुक्स रीजनिंग के बारे में, जो कि हिंदी और इंग्लिश दोनों के अंदर अवेलेबल है और इस बुक को पब्लिश किया गया है श्री कृष्णन पब्लिशर प्राइवेट लिमिटेड, जो कि इंडिया की वन ऑफ बिगेस्ट बुक पब्लिकेशन कंपनी है, जिसके द्वारा बेहतरीन बुक पब्लिश की जाती है, जहां पर आपको सभी जानकारी बहुत ही अच्छे से दी जाती है। एंड अगर मेनली बात करें इस बुक की, तो इस बुक के अंदर आपको क्या क्या देखने को मिलेगा वो आप लोग जान लीजिए। इसमें आपको वर्बल, नॉन वर्बल और लॉजिक का कंप्लीट और कॉम्प्रिहेंसिव कलेक्शन मिलेगा, साथ ही आपको टॉपिक वाइज प्रत्येक पॉइंट का इजी एक्सप्लेनेशन भी इस बुक के अंदर मिलेगा। इसके अलावा बेस्ड ऑन न्यू कॉम्पिटिटिव एग्जाम पैटर्न, यानी कि पूरे न्यू कॉम्पिटिटिव एग्जाम पैटर्न के साथ में ये बुक आपको मिलने वाली है, इसी के साथ विद शॉर्टकट ट्रिक्स एंड प्रैक्टिस एक्सरसाइज, यानी कि शॉर्टकट ट्रिक्स भी इस बुक के अंदर होगी, प्रैक्टिस एक्सरसाइज भी इस बुक के अंदर होगी। तो ये एक आपकी बेस्ट बुक है आपकी रीजनिंग की प्रिपरेशन करने के लिए, चाहे आप किसी भी एग्जाम की रीजनिंग की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आप लोग इस बुक को परचेज कर सकते हैं। बाय करने का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया है, चाहे हिंदी में बाय कर लीजिए या फिर इंग्लिश में, और कोई सवाल डाउट हो तो आप पूछ लीजिएगा। नाउ गाइज आपके सामने आती है अदर डिटेल, जहां पर सबसे पहले आपसे आपका रिलीजन पूछा, यानी कि आपका धर्म कौन सा है, आपको आपका जो धर्म है वो यहां पर सिलेक्ट कर लेना है। इसके बाद नेशनलिटी के अंदर अगर आप इंडियन है तो इंडियन सेलेक्ट करेंगे, नेपाली है तो नेपाली और भूटानीज है तो भूटानीज, तो यहां से मैं इंडियन हूं, मैं इंडियन सेलेक्ट कर लेता हूं। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन यानी कि आपकी शैक्षणिक योग्यता की जानकारी, तो सबसे पहले यहां पर सिलेक्ट एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के ऊपर आपको क्लिक करना है। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद आप यहां पर टेंथ पास, हाई स्कूल, एसएससी, एसएसएलसी ये सिलेक्ट कर लेंगे। ये सिलेक्ट करने के बाद में आपको इंस्टीट्यूट नेम के अंदर बताना है कि आपने किस स्कूल कॉलेज से आपकी जो दसवीं है वो पास की है, उसका पूरा नाम आप यहां पर लिख देंगे। परसेंटेज आपकी कितनी है वो आप यहां पर डालेंगे, अगर आपके नंबर सीजीपीए के अंदर है तो आप उनको परसेंटेज के अंदर कन्वर्ट करके यहां पर फिल करेंगे। इसके बाद गाइज आपको प्लस के आइकन पर क्लिक करना है, देन आपके सामने सेकंड ऑप्शन आ जाएगा क्वालिफिकेशन की जानकारी फिल करने का। अब आपको यहां पर काफी सारे क्वालिफिकेशन के ऑप्शन देखने को मिल रहे हैं। अब आपके सामने एक ऑप्शन कि टेंथ विद ऑक्सिलरी नर्सिंग मिडवाइफ कोर्स एंड फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट, तो आप ये वाला सिलेक्ट कर लीजिएगा। ये सिलेक्ट करने के बाद में यहां पर आपको इंस्टीट्यूट नेम के अंदर बताना है कि आपकी ये जो एएनएम है वो आपने किस इंस्टीट्यूट से की है, उस इंस्टीट्यूट का नाम आपको यहां पर एंटर करना है। जो भी नाम है वो आप यहां पर दे दीजिएगा, मैं एक डेमो के लिए एक नाम दे रहा हूं इंस्टीट्यूट का। फिर आपके जो परसेंटेज है, जो भी आपका ये एएनएम का कोर्स उसके अंदर कितनी परसेंटेज है वो आप यहां पर डालेंगे। डालने के बाद में आप यहां पर नीचे देखेंगे जेंडर, तो जो भी आपका जेंडर है वो आपको सिलेक्ट करना है। बेसिकली इसमें फीमेल कैंडिडेट ही अप्लाई कर सकते हैं, तो मैं यहां पर फीमेल पर ही टिक करूंगा। वैसे तो आप जानते हैं कि मैं मेल हूं, बट क्या करें, आपकी वजह से मुझे आज फीमेल बनना पड़ रहा है, क्योंकि फॉर्म फिल करके आपको जो दिखाना है। तो चलिए यहां पर आते हैं मैरिटल स्टेटस पे। अब आपको बताना है कि मैरिड हो, अनमैरिड हो, विडो, डाइवोर्स, जो भी है वो आप यहां पर सिलेक्ट कर लीजिएगा। इसके बाद में कैटेगरी, तो जो आपकी कास्ट कैटेगरी है वो कौन सी है, यहां पर अगर एससी है तो एससी के ऊपर टिक कीजिएगा, यूआर यानी कि जनरल है तो उसके ऊपर टिक कीजिएगा, तो जो भी है वही आप यहां पर सिलेक्ट कर लीजिए। इसके बाद में गाइज यहां पर सर्विस एक्स सर्विसमैन, अगर आपकी यहां पर इनमें से कोई कैटेगरी है जैसे कि एक्स सर्विसमैन, आईटीबीपी एम्प्लॉई, प्राइवेट, पीएसयू, अनएम्प्लॉयड, आईटीबीपी एम्प्लॉई, तो आप वही सेलेक्ट कर लेंगे। अगर आप कोई भी जॉब नहीं करते तो आप यहां पर प्राइवेट, पीएसयू, अनएम्प्लॉयड इसके ऊपर टिक करेंगे। देन गाइज आते हैं रिवॉर्ड, तो इसमें आपको जानकारी देनी है कि क्या आप 1/1/1980 से लेकर के 31 दिसंबर 1989 के बीच जम्मू एंड कश्मीर के निवासी थे, अगर हां तो आपको इसके ऊपर टिक करना है, नहीं तो आपको इसको ऐसे ही रहने देना है। फिर आपसे पूछे कि जो 1984 का दंगा हुआ था क्या आप उसके डिपेंडेंट ऑफ विक्टिम हैं, अगर हाँ तो इसके ऊपर टिक करना है। तीसरा है कि क्या जो 2002 का दंगा हुआ था कम्युनल रिवॉर्ड, क्या आप उसके डिपेंडेंट ऑफ विक्टिम हैं, अगर हाँ तो आपको टिक करना है, नहीं तो आप यहां पर नीचे नॉट अफेक्टेड बाई एनी ऑफ दी अबो थ्री इसके ऊपर टिक करेंगे। इसके ऊपर टिक करने के बाद में आप यहां पर आएंगे
और आपसे पूछा है कि आर यू अंडरगोइंग इंटर्नशिप, अगर हाँ तो आप यहाँ पर टिक करेंगे, नहीं तो आपको इसको अनटिक कर देना है। फिर पूछा है हैव यू रिसीव्ड एमबीबीएस एमएस एमडी डिग्री ऑफ और इक्विवेलेंट, अगर हाँ तो आप इसके ऊपर टिक करेंगे, नहीं तो आपको इसको ऐसे ही रहने देना है। इसके बाद गाइज आपको सबमिट पर क्लिक करना है। सबमिट पर क्लिक करने के बाद में ये जानकारी आपकी सेव हो जाएगी और सेव करने के बाद में आप यहाँ पर अपलोड इमेज के ऊपर क्लिक करेंगे। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद ही आपके सामने ये वाला इंटरफेस आएगा। अब आपको आपका फोटो और साइन अपलोड करना है। यहाँ पर फोटो का जो फॉर्मेट है वो आपका जेपीईजी या फिर जेपीजी का रखा है और साइज 30 से 100 KB के बीच में और फॉर्मेट इनमें से कोई भी चल जाएगा। तो गाइज यहाँ पर आप चूज फाइल के ऊपर क्लिक कीजिए और फिर जहाँ पर भी आपकी फोटो फाइल है वो आपको सेलेक्ट करनी है। मैं इस फॉर्म को जैसे कि मैंने आपको बताया कि डेमो के लिए भर रहा हूँ, तो चलिए मैं यहाँ पर एक इमेज सेलेक्ट कर लेता हूँ। मैं यहाँ पर आपका जो एक रैंडम फाइल है वो सिलेक्ट करता हूँ और फिर यहाँ से इसको ओपन कर लेता हूँ। ओपन करने के बाद में आपकी फाइल का नेम यहाँ पर आ जाएगा। देन गाइज आप यहाँ पर आपका सिग्नेचर अपलोड करेंगे। इसका साइज 15 से 30 KB के बीच में रखा है, तो चूज फाइल के ऊपर क्लिक करके जहाँ पर सिग्नेचर की फाइल है सिलेक्ट कीजिए और यहाँ से ओपन कर लीजिए। ओपन करने के बाद यहाँ पर आई हैव डिक्लेयर्ड द इमेज फोटो एंड सिग्नेचर अपलोडेड बाय मी अबो आर करेक्ट, आप यहाँ पर टिक करेंगे। एंड देन अब आपको सबमिट पर क्लिक करना है। सबमिट पर क्लिक करने के बाद में आपका फोटो और साइन इस तरह से यहाँ पर अपलोड होकर के आ जाएगा। अब गाइज यहाँ पर आप एक बार फिर से इसके ऊपर टिक करके सबमिट कर दीजिए। सबमिट करने के बाद ये जानकारी कंप्लीट हो जाएगी। इसके बाद यहाँ पर वैसे आपके सामने आता है अपलोड डॉक्यूमेंट का सेक्शन। तो आपको यहाँ पर कोई डॉक्यूमेंट अपलोड करने के लिए नहीं बोला, तो अभी आपको करना क्या, तो बेसिकली अब आप यहाँ पर अप्लाई के ऊपर क्लिक कीजिए। अप्लाई के ऊपर क्लिक करने के बाद आप देख सकते हैं कि आपके सामने ये एडवर्टाइजमेंट एक्टिव है हेड कांस्टेबल मिडवाइफ का। तो इसमें यहाँ पर आपको अप्लाई 0 फीस एप्लीकेबल, अब आपको अप्लाई पर क्लिक करना है। देन गाइज आपके सामने इस तरह से जानकारी आएगी। अब आप यहाँ पर आई एग्री के ऊपर टिक करेंगे, नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करेंगे। नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करने के बाद अभी आपने जो भी जानकारी भरी है वो सभी आपके सामने, आप इन सभी को वेरीफाई कीजिए कि हाँ सभी जानकारी सही है, नहीं तो आप प्रोफाइल के ऊपर जाकर के उसको एडिट कर लीजिए अगर आपको लगता है कोई जानकारी गलत है। तो अगर आप श्योर है कि सभी जानकारी सही है तो आप नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करें। नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करने के बाद में यहाँ पर बोला है कि यू आर एग्जेम्प्टेड फ्रॉम पेइंग फीस फॉर, यानी कि आपको कोई फीस पे नहीं करनी है। अब आप आई एग्री के ऊपर क्लिक करके सबमिट के ऊपर क्लिक कर दीजिए। सबमिट पर क्लिक करने के बाद आपका फॉर्म सबमिट हो चुका है। अब आप एक्शन के नीचे एप्लीकेशन फॉर्म पर क्लिक कीजिए। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद में यहाँ पर जो आपका एप्लीकेशन फॉर्म है वो आपका डाउनलोड हो जाएगा। अभी अभी मैं इस वीडियो को जब बना रहा हूँ वो रात में ही बना रहा हूँ। मैं आपको यहाँ पर अभी टाइम दिखाता हूँ कितना टाइम अभी हुआ है जिस वक्त मैं इस वीडियो को रिकॉर्ड कर रहा हूँ। तो टाइम नाउ पर मैं देखता हूँ अभी रात के 12:23 हुए हैं, तो अभी भी ये जो लिंक है वो एक्टिवेट हुआ है, इसलिए यहाँ पर ये एरर आया। बट अब आप जैसे ही इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो आप अपना एप्लीकेशन फॉर्म का PDF सिंपली डाउनलोड कर पाएंगे और उसको आप प्रिंट भी कर लेंगे। तो गाइज इस प्रकार से आप ITBP हेड कॉन्स्टेबल मिडवाइफ का फॉर्म भर पाएंगे। आई होप ये जानकारी आपको पसंद आई होगी। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।